मध्य प्रदेश में डीजीपी वीके सिंह के पत्र के बाद सियासी बवाल मच गया। उनके पत्र को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। डीजीपी के पत्र को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है और डीजीपी का पत्र ये साबित कर रहा है कि सरेराह लोगों को मारा जा रहा है। और यदि फरियादी थाने जाता है तो उसके साथ भी अनर्गल व्यवहार होता है और हमारे इस इल्ज़ाम को मुख्यमंत्री की मुख्य डीजीपी की एडवाइजरी ने उनके लेटर ने इंगित भी किया। यदि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है तो डीजीपी को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो इस तरह का लेटर दें? इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है, थानों की स्थिति बहुत ख़राब है। जब आईजी से लेकर और थानेदार की पोस्टिंग पैसे लेकर होगी तो इसी तरह अराजकता की स्थिति बनेगी। मेरी मांग है, ये एक बड़ा मामला है, डीजीपी बिना किसी विषय के कोई लेटर नहीं लिखेंगे। यदि उन्होंने लेटर लिखा है तो कमलनाथ जी को, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, मीडिया के सामने आकर इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मध्य प्रदेश की यदि ऐसी स्थिति बनी है तो इसका जिम्मेदार कौन।